अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को अपने प्लांट्स की अपडेट्स दिखाऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आई, तो सोचा कि प्लांट्स दिखाएं या कि कैसे ग्रो हो रहे हैं। और कुछ प्लांट्स स्टॉक में भी आए हैं दोबारा से, तो जो लोग प्लांट्स का शौक़ पूरा करने चाहते हों मुनासिब रेट पर, तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं। رابطے के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, फ़ोन भी कर सकते हैं। विज़िट करना चाहें तो सैटरडे संडेज़ को टाइम लेके विज़िट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो कि अगर आप भी इस तरह के प्लांट्स का शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिर में तमाम प्लांट्स दिखाऊँगा जो कि स्टॉक में हैं। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ये क्रोटॉन्स हैं, मनी प्लांट्स हैं, मिक्स प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में ग्रो हो रहे हैं। सबके न्यू लीफ निकले हैं। कराची में वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है, वेदर का इफेक्ट है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि वेदर की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे यहाँ हीट बहुत होती है और प्लांट्स की एक लिमिटेशन होती है कि उनको एक सर्टेन तरह का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो सक्सीड करेगा। बहुत ज़्यादा हीट होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो प्लांट्स अब नॉर्मली ग्रो होंगे, परेशानी के साथ ग्रो होंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। खाद डालना है सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए वेदर अच्छा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो उस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। तो यहाँ से देख लेते हैं मज़ीद। ये है रिंग ऑफ फायर, ये देखिए कैसा खूबसूरत अंदाज में ग्रो हो रहा है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये एक एग्लोनीमा, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जल्दी जल्दी मैं दिखा दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और बस आप लोगों का अंदाज़ा हो जाए कि प्लांट्स किस तरह के ग्रो हो रहे हैं। हम इनमें फर्टिलाइज़र्स नहीं डालते। जो भी इसके अंदर आपको खाद डली हुई नज़र आ रही है 6 महीने पहले की है, खाद भी नहीं डालते इनको, सिर्फ पानी, वो भी जब प्लांट्स अगर आपके ड्राई हो रहे हो तब डालते हैं, वरना इसके अलावा इनमें कुछ नहीं होता। कोई खाद, कोई न्यूट्रिशंस, कोई स्प्रे नहीं करते, इवन पेस्टिसाइड के स्प्रे भी नहीं करते। उसके बाद भी आप देखें प्लांट्स की ग्रोथ कैसी ज़बरदस्त आ रही है। वो पीछे एक जीजी छोटा सा रखा हुआ है कॉम्पैक्टर। उसके बाद ये एक एग्लोनीमा, ये सारी ऊपर की लाइन एग्लोनीमा की है। मैं करीब से जल्दी दिखा रहा हूँ, देखिए किस अंदाज में ग्रो है, मल्टी शेड्स आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो वो पीछे एक स्ट्रॉबेरी शेक रखा हुआ है एग्लोनीमा के साथ रखे हुए। ये सारे एग्लोनीमा की अलग अलग वराइटीज़ हैं। अगर आप भी इनका शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन हासिल कर लीजिएगा। ये सारे कुछ क्लेडियम्स भी हैं, एक्स्ट्रा क्लेडियम्स भी रखे हुए हैं। क्लेडियम्स के अभी मैं इतनी वीडियो नहीं बनाऊंगा, जल्दी जल्दी इसमें दिखा देता हूँ। क्लेडियम्स का शौक़ पूरा करना चाहें तो वो आप व्हाट्सएप पे उसके पिक्चर्स और प्राइस मंगवा कर मालूम कर लीजिएगा। मैं बस यहीं से ओवरव्यू देता हूँ। ये देखिए एक एक क्लेडियम का छोटा सा पत्ता निकल रहा है, उम्मीद है कि बड़े ज़बरदस्त वैरायटी होगी, खूबसूरत शेड होगा इसका। इसके बाद स्नो वाइट, सिंगोनियम, सब बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन ग्रो हो रहे हैं। ये है जीजी ब्लैक कलर का, देखें कितना ह्यूज हो गया, इसकी मैं कई मतलब वीडियो बना चुका हूँ। तो ये माशाल्लाह अब तक ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। ये एक एग्लोनीमा की वैरायटी। हाँ, एक और एग्लोनीमा की वैरायटी जो कि मैंने दिखाई नहीं, वो है ये, इसका मैं ये देखें अब इसका कलर हाईलाइट हुए हैं। ये अगर लेना चाहते हैं, इसका शौक पूरा करना चाहते हैं, इसका भी छोटा प्लांट हमारे पास मौजूद है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो ये हैं, उसके बाद यहाँ पर सी वी ब्लू, सिल्वर शॉर्ट, सिल्वर शॉर्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, खूबसूरत अंदाज में ग्रो हो रहा है। मेरा वाला ख़राब हो गया जो दूसरा था। फिर इसके बाद एग्लोनीमा, रेड लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, नीचे से प्लांट्स निकल रहे हैं। किसी को चाहिए होगा ऑन डिमांड रूट्स के साथ निकाल के दे देंगे। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप पर आप पूछ लीजिएगा कब कैसे कितने का मिलेगा। फिर उसके बाद ये लिजाई, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोवर है, स्लो ग्रोवर मैं इसको समझता था शायद हो, लेकिन हमारे पास बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। फिर उसके बाद एक और प्लांट हमारे पास रिकवर हुआ बड़ी मुश्किल से, पैरेसो फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी जो कि बिल्कुल ग्रीन हो चुकी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वेरिएशन आना शुरू हो गया, इसका कलर वापस रिवर्ट, ये वापस सेट हो गया। तो ये है, इसकी रूट्स भी एरियल रूट्स निकल रही हैं। तो ये थी प्लांट्स के अपडेट्स के, प्लांट्स माशाल्लाह ग्रो हो रहे हैं। एक और आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा, कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी हैं,
इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुछ प्लांट्स प्रोपगेट भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। वो पीछे एक एग्लोनीमा मेरा पसंदीदा वो, और जो भाई बनी ईयर्स ये सेल हो चुका है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, हो सकता है वो शायद आकर ले जाए, नहीं हुआ अभी कोई और रब्ता कर ले। फिर उसके बाद हॉर्स हेड ये भी शायद सेल हो जाए, और उसके बाद फिर हाँ एक ऑफ़र, सबसे पहले इसको देख लेते हैं जेजेंटियम, देखें कितना बड़ा साइज़ हो गया माशाल्लाह, और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक ऑफ़र, दो तरीके के प्लांट्स इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, दोनों की ऑफ़र। सबसे पहली ऑफ़र एपिपिनियम प्लाटम, ये मेरे पास पूरा ऊपर स्ट्रेट जा रहा था, ये गिर गया, इसके स्टेम यहाँ से ब्रेक हो चुकी है वहाँ से, और ये इसकी पूरी एक स्टेम जिसकी तकरीबन ये मेरे ख्याल से 3.5 फीट या 4 फीट होगी। तो इस स्टेम में इसका नया पत्ता निकल रहा है यहाँ से, नया पत्ता भी आपके सामने, साइज़ बहुत ह्यूज साइज़ है। और इसके बाद इसमें से ये मल्टीपल शूट्स निकल रही हैं, 1, 2, 3 तो मुझे यहाँ से नज़र आ गई, और अभी ऊपर तक मुझे नज़र नहीं पहुँची, मुझे पता चल जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं, 4 नोड्स मुझे नज़र आ गए, 4 शूट्स तो निकल रहे हैं। तो इस एक स्टेम से बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं, एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। मैंने बहुत पहले एक एग्लोनीमा की ऑफ़र लगाई थी कि जिसका मैंने बताया था कि अगर वो शख्स कोई परचेज़ करता है तो वो उससे 5,000 का वो लेके 20,000 रुपये अर्न कर सकता है। तो ये एक सिमिलर ऑफ़र है, ये उस जैसी ऑफ़र तो नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है कि अगर कोई शख्स इस स्टैम को ख़रीदता है, जो भी इस स्टैम की सबसे अच्छी ऑफ़र देगा यूट्यूब पे कमेंट्स करके दे दें, या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो भी इसकी सबसे अच्छी ऑफ़र देगा उसको ये स्टैम हम वहाँ से काट कर दे देंगे, और इसको प्रोपगेट करें। अभी इस वक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 12 प्लांट्स इस एक स्टेम से बन सकते हैं, और वो बहुत अच्छे ह्यूज साइज़ के बनेंगे क्योंकि इसके स्टेम की थिकनेस ही ठीक ठाक है। तो 10 से 12 प्लांट्स बन सकते हैं, और उसका सेल करें या अपना शौक पूरा करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। तो एक ये ऑफ़र, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो मैं आपको पौधा दिखा दूँ, पौधा ये है एपिपिनियम प्लाटम है, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो अपनी बेस्ट ऑफ़र दे और ले जाए। लोकेशन क्या है, गुलशन इकबाल कराची। अच्छा, उसके बाद दूसरे प्लांट ये है, ये भी एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी है जो कि बहुत खूबसूरत, इसके पत्ते देखें कैसा ग्रो हो रहा है, लीफ का साइज़ देखें, ये भी सेल के लिए है, जो इसकी बेस्ट ऑफ़र देगा। ये बहुत ह्यूज प्लांट है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके पत्ते से अंदाज़ा हो गया होगा, मैं आपको इसकी हाइट दिखाऊँ, तकरीबन 1 फीट हाइट है या 1 फीट से थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन ये बहुत ह्यूज प्लांट है और ठीक ठाक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग जाइंट बन चुका है इसका साइज़। तो जो इसकी बेस्ट ऑफ़र देगा ये उसको सेल कर देंगे। तो ये थी दो ऑफ़र्स आज की जो कि आप लोगों के ऊपर हैं, इनकी प्राइस आप लोग को बेस्ट ऑफ़र दें और हासिल कर लें। अब आ जाते हैं जो प्लांट्स स्टॉक में रखे हुए हैं सेल के लिए, उन पर नज़र डाल लेते हैं। प्राइसेस तो मैं सबकी शायद नहीं बता सकूँगा, भूल गया मैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर मैं किसी की ना बताऊं तो वो आपने ख़ुद पूछ लेना है। तो यहाँ से देख लेते हैं पहले तो ये ओवरव्यू कि ये सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। ये है फाइलोडेंड्रॉन मैक्सिकैनम जो कि मेरा फेवरेट, और इंशाल्लाह दोबारा से मैं एक अपने पास इसको ग्रो करूँगा। तो ये है 1200 रुपये का नेगोशिएबल, ठीक है, थोड़ी सी नेगोशिएशन हो जाएगी। तो ये है बिल्कुल परफेक्ट प्लांट, ग्रो हो रहा है, आपने सिर्फ इसके अंदर टॉप सॉइल फिल कर देनी है बस, ताकि ये थोड़ा सा इसका हिलना जुलना बंद हो जाए, बाकी इसको अभी आपने चेंज नहीं करना। फिर उसके बाद फाइलोडेंड्रॉन पिलाटम, ये बिल्कुल परफेक्टली ग्रो हो रहा है, लीव साइज अच्छा है, यहाँ से न्यू लीव्स निकल रहे हैं 800। फिर उसके बाद डिफरेंट बाकी है कि ये एक कलर, ये मेरा पसंदीदा कलर है, बहुत ज़बरदस्त शेड, ये है 1000 का, इसमें 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, दोनों रनिंग में हैं। फिर उसके बाद फाइलोडेंड्रॉन कॉन्गो, फिर उसके बाद इसकी प्राइस में भूल गया, सॉरी, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने लिस्ट रखी हुई उसमें से देख के बता दूंगा आपको। फिर ये है पीस के लिए, ये अगर किसी को चाहिए, वैसे तो ये खैर किसी के लिए, एक महमूद भाई हैं मेरे पेज के फॉलोअर, दोस्त हैं मेरे,
उनके लिए रखा हुआ है, बस मेरा उनसे मिलना नहीं हो रहा। जैसे ही मेरे उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ये उनको दे दूंगा। तो अगर किसी को चाहिए हो तो 600 रुपीज़ का उसके लिए दूसरा अरेंज कर देंगे। फिर उसके बाद ये मनी प्लांट्स, इसमें 3-4 लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे शूट्स हैं, बिल्कुल एक्टिवली ग्रो हो रहे हैं। ये हैं 500 के। फिर इसके बाद सेंसिवेरिया गोल्डन फ्लेम, ये देखो ड्वार्फ वैरायटी है और इसमें 2 लगे हुए हैं आई गेस। ये हैं 800 रुपीज़ के, नेगोशिएशन हो जाएगी इसमें थोड़ी सी। ये है फाइलोडेंड्रॉन जाइजेंटियम। फिर उसके बाद सेंसिवेरिया, इसको मेरे से मून लाइट ही कहते हैं, मून लाइट। ये डिफिन बाकी की एक और वैरायटी, ये 700 की। और 2 एग्लोनीमा ये रखे हुए हैं, जिसका मैंने मदर प्लांट आप लोगों को यहाँ दिखाया था, ये वाला। इसके कलर्स मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये था। इसका शौक पूरा करना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया था वो पड़े हैं ये 2 प्लांट्स, 1000 ईच। उसके बाद एग्लोनीमा स्नो वाइट, फॉक्सी भी कहते हैं नर्सरी वाले इसको, ये 700 का एक, कोई सा भी ले लें 700 का एक। फिर उसके बाद सिंगोनियम, सिंगोनियम बातिक के नाम से ये वैरायटी कहते हैं, बहुत खूबसूरत शेड बनता है। मैं भी इसका शौक पूरा करूँगा, अब तक मैंने ये वाली वैरायटी खुद अपने पर्सनल स्टॉक में नहीं रखी, जब भी आई सेल कर दी, तो इसका मैं एक शौक पूरा करूँगा। ये है 600 के। फिर उसके बाद ये एक और नई एग्लोनीमा की वैरायटी है, इसका कलर बहुत अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा छोटा प्लांट है उस वजह से अभी कलर से इतने हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन ये एक नई वैरायटी है। ये है 1200 रुपये की, इसका नाम मैं भूल गया, सॉरी किसी को याद है मुझे बता दें, मैंने नाम भूल गया। ये है, फिर उसके बाद ये लास्ट ये प्लांट। तो ये प्लांट्स हैं, जिसको जो पसंद आया हो, मैंने किसी की प्राइस नहीं बताई हो तो व्हाट्सएप पे वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लिस्ट मैंने बनाई होती है जो प्राइस होती है, और वीडियो बनाते वक्त याद नहीं आता, अक्सर ऐसा होता है वीडियो बनाते वक्त नाम भी भूल जाओ। तो खैर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जितनी डिटेल्स लेना चाहें दे सकते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहें कर सकते हैं, विजिट्स के लिए सैटरडे संडे ही सिर्फ अलाउ है। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कुछ बुरे लगे हों तो वो भी बताएगा। आखिर में एक नोट के आई गेस के लास्ट कोई वीडियो थी जिसमें कमेंट आया था कि हम ख़राब पौधे सेल करते हैं, तो ऐसी बात नहीं, हमारे रेट्स बहुत मुनासिब होते हैं, हम ख़राब प्लांट्स बिल्कुल भी सेल नहीं करते। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ना कारोबार इस तरह की क्या है कि हम कस्टमर को ख़राब चीज़ दें और पैसा खा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम प्लांट्स की अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन करवाते हैं। 100 दफ़ा मैं कहता हूँ कि आप तसल्ली हासिल करें, देखें तो हम ख़राब प्लांट नहीं सेल करते। किसी ने ख़राब प्लांट का कमेंट किया था, तो अगर किसी के पास ख़राब प्लांट्स पहुँचे हों तो उसके लिए माजरत सबसे पहले, भले हमारी गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी एक अच्छे इंसान की निशानी है कि हम लोग माजरत करते हैं कि अगर आपके पास ख़राब प्लांट्स पहुँचे, और गाइडेंस ले लिया करें कि प्लांट्स को कैसे केयर करनी है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया था उनकी एरिया में लाइट की बहुत कमी है, लाइट नहीं होगी तो प्लांट्स आपके अच्छे ग्रो नहीं होंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।